राम राम दोस्तों, मंसूर गाथा देवीदास बैरागी के साथ यूट्यूब चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। मित्रों, आज की हमारी यात्रा इसी संकट मोचन हनुमान मंदिर करनाली जागीर। हम आपको मंदिर के दर्शन के साथ साथ यह भी बताएंगे कि यह वीडियो हमने एक विवाह आयोजन में बनाया है। उसका मूल उद्देश्य यह है कि यहाँ एक मंडप से उठकर दुल्हन सीधे बालाजी मंदिर शिखर पर कड़ाके की ठंड के बीच पहुँचकर 2 लाख रुपए मूल्य का एक सोने का कलश दुल्हन ने चढ़ाया है। उस विषय में हम बाद में बात करते हैं। उससे पहले हम आपको बताते हैं कि श्री संकट मोचन बालाजी मंदिर करनाली जागीर में आता है। यह मंदसौर जिले के सीतामऊ तहसील के तित्रोद गांव से 1.5 किलोमीटर दूर स्थित गांव है। और जो बाद साहब आप बालाजी के पास देख रहे हैं, यह बालू राम जी धनकर हैं, जो यहाँ के मुख्य व्यवस्थापक हैं। वो यहाँ की संपूर्ण व्यवस्था संभालते हैं। वर्षों से क्षेत्र में शक्कर यानी कि शुगर मंत्र चारित कर विभिन्न असाध्य बीमारियों से हजारों रोगियों को आज दिन तक श्री बालूराम जी व बालाजी महाराज के आशीर्वाद से राहत मिली है। और इसी कारण करनाली जागीर छोटा सा गांव है, लेकिन बहुत विख्यात गांव है। और श्री संकट मोचन बालाजी मंदिर पर बालूराम जी धनकर की एक मन्नत थी जो 21 वर्ष पूर्व ली गई थी। इनके ज्येष्ठ पुत्र बद्रीलाल धनकर की जब प्रथम पुत्री हुई थी, तब बालूराम जी ने प्रतिज्ञा ली थी, अपना संकल्प लिया था कि जब भी पुत्री की विदाई होगी, मंडप से उठकर पुत्री के हाथों ही मंदिर पर स्वर्ण कलश चढ़ाएंगे और यह शुभ घड़ी आ जाइए। मित्रों, जब बालूराम जी की पौत्री यानी कि बद्रीलाल की पुत्री 21 वर्ष की हुई, तब उनका विवाह संपन्न हुआ। और जैसे ही दुल्हन के फेरे संपन्न हुए, विदाई की घड़ी आई, तो दुल्हन सीधे मंडप से उठकर बालाजी मंदिर के अत्यधिक ऊंचाई वाले शिखर पर पहुंच गई। कड़ाके की ठंड ओस से भीगा हुआ शिखर होने के बावजूद भी प्रातः 6 बजे दुल्हा दुल्हन अपने दादा की इच्छा पूरी करने के लिए शिखर तक पहुँचे और 2 लाख रुपए मूल्य का स्वर्ण कलश श्री बालाजी महाराज को चढ़ाया। मंसूर का था यूट्यूब चैनल हमने बनाया भी इसी उद्देश्य से है। एक तो यात्रा हमें करवाना है, धार्मिक ऐतिहासिक स्थलों के विषय में बताना है, साथ ही इन स्थानों पर धर्म से संबंधित क्या क्रियाकलाप होते हैं, यह भी हम आपको बताएंगे। तो जब हम इस विवाह के साक्षी थे, तो सोचा कि हमारे मंसूर गाथा यूट्यूब चैनल के लिए भी यह वीडियो बनाया जाए। तो आप देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार दूल्हा दुल्हन, दुल्हन का भाई बहन दादाजी व संपूर्ण समाज, बाराती व गांववासी सोने की कलश की पूजा कर रहे हैं। और इस पूजन उपरांत दुल्हा दुल्हन दोनों अत्यधिक ऊंचाई वाले श्री बालाजी मंदिर शिखर पर पहुंचे हैं। सुबह की कड़ाके की ठंड के बीच ओस से लथपथ व कोहरे से आच्छादित यह सुबह आप देखकर स्वयं ही अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी ठंड होगी। दूर दराज के खेतों की स्थिति देखिए। और धीरे धीरे दूल्हा दुल्हन बहुत ही ऊंचे मंदिर शिखर तक पहुंचने के लिए प्रयासरत हैं। और यह दूल्हा तो ऊपर आ चुके हैं, अब दुल्हन की बारी है, जो उनके भाई व जीवन साथी उन्हें ऊपर लाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी साथ आगे हम और भी चर्चा करते हैं, देखते रहिए मंसूर गाथा। तो कड़ाके की ठंड के बीच हमें भी अब वीडियो बनाना है, तो ऊपर तो जाना ही पड़ेगा। तो पहुंच गए हम भी बालाजी मंदिर के शिखर पर दूल्हा दुल्हन के साथ। और ऊंचाई से लिया गया चित्र आप देख ही रहे हैं, पूरा गांव बहुत नीचे खड़ा है, बाराती अवाक हैं,
ग्रामवासी प्रसन्नचित हैं। दूल्हा दुल्हन, बहन भाई, उनके दादाजी, वो परिवार, देखिए किस प्रकार कलश चढ़ाते हुए मुस्कुरा रहे हैं। पीछे सूर्य देवता अपनी अलग ही छटा बिखेर रहे हैं। और इस प्रकार कलश स्थापना के उपरांत दुल्हन पुनः मंदिर शिखर से नीचे उतरी हैं। कहने का यह तात्पर्य है कि एक दादा के अपने प्रति, पोती के प्रति प्रेम का यह जो संयोग, जो विश्वास, जो आस्था बालाजी के प्रति देखी गई है, वो मंत्रमुग्ध करने वाली है। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य करें। वह चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अधिक से अधिक करें। वह चैनल को शेयर करते रहें वीडियो को। देखिए ये किरण के साथ मैं स्वयं भी खड़ा हूँ। मिलते हैं मित्रों अगली यात्रा में, तब तक जय श्री राम, जय बालाजी महाराज।